कि हम चाहते हैं कि हमारे जो महापुरुष लोग हैं, हमारे संत महात्मा हैं, मीराबाई जैसे लोग हैं, उनके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो भूल रही है, इस इतिहास को भूलती जा रही है। तो हम ये पैनोरामा खड़ा कर देंगे तो लोग अपने अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे, और वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ लेके जाके उनके बच्चों को दिखाएंगे। अंजनी माता के लिए 40 लाख दिए। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः परेण्यम्। वसुंधरा नदी जी स्वामी जिद पर पहुंच रहे हैं। चलो भाई जोरदार तालियां। ये रेल समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही है। और अभी अभी मनोज जी ने भी इसकी बात करी थी मेरे से, तो इसकी बात अभी दो महीने ब्रॉड गेज का 2 महीने के अंदर अंदर उसके कागज और DPR वहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम कर लिया है। अब वो हमारे पास वापस जब आएगा तो हम जो भी अपने संसाधनों के अंदर मदद कर सकते हैं वो अपन करेंगे। धार्मिक क्षेत्र में भी काफी विकास कर बता रही हूँ। पेयजल योजना अपने शुरू की 13 साल पहले महाराज, जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैंने वो योजना शुरू की थी। कितनी बाधा आती है वो आप देख लीजिए। वो फर्स्ट योजना आज खत्म होने जा रही है। क्या बात, कोई नहीं कर पाए उसको, इतना मुश्किल काम था। अब बड़ी मुश्किल से इस मई के अंत तक हम वहाँ तक पानी ले जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए कोई भी बाधा आपके सामने तो क्या आएगी महाराज जी, परंतु कभी भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो आप हम सबको क्षमा करेंगे, क्योंकि आप अपने आप ही सुधरेंगे, हम सब सुधरेंगे आपके निगाह में और आपके सानिध्य में। और धीरे धीरे समझ जाएंगे हम कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। मदन मोहन जी नगरी के अंदर इस पवित्र स्थान पे महाराज जी ने झुमके पतंजलि का काम राजस्थान के अंदर शुरुआत किया। यहाँ गौशाला, इनका एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान आचार्य कुलम जिसको कहते हैं, और इसके साथ साथ आपके आयुर्वेद का एक बड़ा संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा, और ये सब चीज़ें उन जो शुरू कर आज जो शुरू किया है कि यहाँ खेती भी शुरू करेंगे, हर्बल जड़ी बूटी वगैरह ये से भी, और प्रशिक्षण करेंगे लोगों का। मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपने देख लिया जब पहले हम इनकी बात करते थे महाराज जी, तब लोग सोचते थे जड़ी बूटी का क्या हो जाए। आज उनको समझ में आ गया है सबको कि दुनिया के अंदर इस जड़ी बूटी का और इस स्वदेशी दवाई का एक बहुत बड़ा स्थान है, और लोग इसके अंदर विश्वास कर रहे हैं। और ये काम यहाँ चालू हो जाएगा तो मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, किसान खेती में इसको इस्तेमाल कर सकेगा, नए नए चीज़ों का प्रयोग कर सकेगा, और पतंजलि योगपीठ के गाइडेंस में इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो करौली अपने आप में एक सेंटर बन जाएगा, जिसको मैं समझती हूँ करौलीवासी खुद ही नहीं सोच सकते। तस्वीर बदल जाएगी, लाइफस्टाइल बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा, और राजस्थान को एक रास्ता दिखाने का काम करौली करेगा आने वाले समय के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम है, और इसलिए मैं महाराज को बारम्बार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम इस इलाके के ही हैं, और इसीलिए हम खुद ही जानते हैं यहाँ बहुत बाधाएं आई शुरू में। इतनी बाधाएं हैं महाराज, ऐसे यहाँ आसान नहीं है कि हमारे बहुत ही श्रद्धामयी बहन आए हैं, और जोरदार ताली ईश्वर, अरे ताली तो जोर से बजाओ ना, मैंने बताया नहीं इसे। अपने हिमालय में ही आ गया हूँ, तो ये बहुत ही पुण्य धरा है। और वैसे मेरी जन्मभूमि, यद्यपि ऐसे तो ये पूरा भारतीय मेरी जन्मभूमि है, लेकिन राजस्थान, लेकिन मेरी माँ की भूमि, मानी माँ जो गुलाब देवी है मेरी माँ, वो राजस्थान की तो मेरी मातृभूमि है, और हमारी राजमाता जी की भी भूमि है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा कार्य। धन्यवाद। वर्तमान दिशाहीन होता है, और बिना वर्तमान के अतीत गतिहीन होता है। अतीत के गौरव स्वाभिमान और अतीत के अपने सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर के वर्तमान के धरातल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समृद्धि के नए सोपान हमारे वसुंधरा राजे जी यहाँ पर खड़े कर रहे हैं।
और जहाँ इस धरती पर जहाँ पर अभी खड़े हैं यहाँ पर 30-30, 50-50 फीट गहरे टीले वो टीपे हुआ करते थे। उन खाइयों में और टीलों के बीच में यहाँ पर ये स्थान शुरू हुआ है, तो यहाँ इसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे वसुंधरा राजे जी का है। मेरे को 2 महीने से ये पीछे पड़े हुए कि स्वामी जी आपको राजस्थान में आना है और सबसे पिछड़े क्षेत्र में आप यहाँ पर अपनी सेवाएं शुरू करो जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने कहा हम तो फकीर हैं, वजीर लोग अमीर लोग तो बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं। मैंने कहा हम फकीर हैं, हम खुद एक साधारण परिवार में अनपढ़ माँ बाप के यहाँ खेत खलिहान में किसान के परिवार में पैदा हुए, तो हमने कहा उनकी सुध-बुध हम लेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ अग्रवाल समाज सहित गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, सर्व समाज के लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया। थोड़ी चुनौतियां रही लेकिन अब सब चुनौतियां दूर हो चुकी हैं। अब करौली का विश्व मानचित्र पर एक गौरव बढ़ेगा। यहां शिक्षा से लेकर के संस्कार से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के रोजगार और गो सेवा, कृषि सेवा से लेकर के जितने भी रोजगार के नए सृजन हो सकते वो शुरू होंगे और सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पतंजलि यहाँ से प्रारंभ करेगा। इसमें जिन भी प्रोजेक्ट्स में सरकार की भी मदद की आवश्यकता होगी वहाँ वसुंधरा जी भी करेंगे और एक साल के भीतर भीतर ये सारे कार्य यहाँ पर आप मूर्त रूप में देखेंगे। हमारे वेद में एक मंत्र आता है।